हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो लोग आज हम कम्प्लीट करने वाले हैं वो है हमारा लेसन 3, क्लास 7 का है, पोषण तत्व और पोषण। इसको कंप्लीट करेंगे। रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। आपकी समरी कराई जा रही है, इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 6 से 12 क्लास की समरी वाले उस पर पोर्शन पे जाइए और सारी समरी वहाँ आप देख सकते हैं। क्लास 6 कंप्लीट होगी। आज क्लास 7 का आपका लेसन 1 पढ़ा दिया गया, 2 अब लेसन 3 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पोषण तत्व और पोषण। आंखों की रोशनी कम होती है किसके कारण? विटामिन ए के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के। विटामिन ए आपको गाजर, पपीता, गोभी, टमाटर आदि से मिलता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमें प्रतिदिन आहार में ऐसा भोज पदार्थ लेना चाहिए जो उम्र और शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। साथ ही आपको बता दें कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ भोज पदार्थ होते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले विभिन्न रोगों से बचाव करने वाले शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले पोषक तत्व शरीर को ऊष्मा प्रदान करने वाले भोज तत्व शरीर को ऊष्मा प्रदान करने वाले भोज तत्व ये होते हैं। चलिए पोषक तत्व क्या होते हैं आपको बता दें कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, निरोग रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि पोषक तत्व होना आवश्यक है। पोषक तत्व में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पोषक तत्व में जो जल है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। शरीर में जल की जो मात्रा वो लगभग 55 से लेकर 70% होती है। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना है, शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने और मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नम, मुलायम, कांतिवान बनाता है। हमें प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। कितना? 8 से 10 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। संतुलित आहार। संतुलित आहार कोई विशेष भोजन नहीं है। ये नहीं कि संतुलित आहार का नाम ले दिया तो कोई विशेष भोजन करना, नहीं। हम प्रतिदिन जो कुछ भी खाते हैं उसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, दूध, घी, सलाद, फल उचित मात्रा है। तो संतुलित भोजन कोई विशेष भोजन नहीं है। हम प्रतिदिन जो कुछ खाते हैं उसमें दाल है, चावल है, रोटी, हरी सब्जी, दूध, घी, सलाद, फल की उचित मात्रा है। शरीर में आवश्यकताओं के आधार पर भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है शरीर की वृद्धि करने वाले यानी प्रोटीन, जिसमें आपका दाल आता है, सोयाबीन आता है, दूध आता है, अंडा आता है, मांस आता है, मछली। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व जिसमें आपको जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, जिसमें जो है चीनी है, गुड़ है, चावल है, गेहूँ है, वसा है, वसा में घी और तेल है। शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करने वाले तत्व जिसमें आपका विटामिन है, खनिज लवण है, जिसमें आएगी हरी सब्जी और फल। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व
प्रोटीन 1 ग्राम, कैलोरी प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, कैलोरी प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी, वसा 1 ग्राम, कैलोरी प्राप्त होती है 9.0 कैलोरी। आयु कार के अनुसार औसतन आवश्यकता ऊर्जा कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग कितनी 2400 से लेकर 2600 कैलोरी, कितनी 2400 से लेकर 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग 3600 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको मैं बता दूँ जो आपका प्रोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ होता है, तो आपको बता दूँ कि बढ़ती जो प्रोटीन युक्त जो आपका भोज पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है, जो बढ़ती उम्र के बच्चों को प्रौढ़ों की अपेक्षा, जो बढ़ती उम्र के बच्चे उनको क्या प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन लेना चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि होने के कारण उन्हें अधिक प्रोटीन वाला भोजन लेना चाहिए, उन्हें आहार में दाल अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, जो बच्चे हैं उन्हें दाल अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। दूसरा आपका ये है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज पदार्थ, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि खिलाड़ी और अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी हैं और जो अधिक श्रम करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, यानी शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको किसकी आवश्यकता होती है, अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक श्रम करने वाले पर उनके शरीर से अधिक ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। जब वो काम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अधिक ऊर्जा व्यय होगी, जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें शरीर में कार्बोहाइड्रेट युक्त और वसा युक्त भोज पदार्थ की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज पदार्थ अधिक मात्रा में लेना चाहिए। फिर आपका शारीरिक श्रम करने वाले, जो शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक पौष्टिक तत्व की आवश्यकता, तो आपको बता दें कि जो आपका जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। एक और बात बता दें कि हम भोज पदार्थ जो भी खाते हैं, जो भी हम भोज पदार्थ खाते हैं उसको उनसे ऊष्मा और गर्मी प्राप्त होती है। जो भी हम भोज पदार्थ खाएंगे उससे हमको ऊष्मा प्राप्त होगी या गर्मी प्राप्त होगी, जिसे हम इकाई से नापते हैं, क्वेश्चन आता है, और इस इकाई को हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो जो भी हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है, जिसे हम इकाई से नापते हैं, और उस इकाई को हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। अब आपको बता दें वसा युक्त भोज पदार्थ, तो जो वसा युक्त भोज पदार्थ है वो तो ये जरूरी नहीं है कि आप बस कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ले, नहीं, वसा युक्त भोज पदार्थ भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि वसा युक्त भोज पदार्थ किसके लिए, जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करें व्यक्ति और जो अधिक खिलाड़ी हो गए, मजदूर हो गए, तो इनको क्या, ये वसा युक्त भोज पदार्थ लेना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर से क्या ऊर्जा बाहर निकल रही है, और उस ऊर्जा की कमी के लिए उन्हें कैसा भोज पदार्थ लेना चाहिए, वसा युक्त भोज पदार्थ लेना चाहिए। फिर आपको बता दें कि अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग 3600 से लेकर 4000 कैलोरी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संतुलित भोजन में दूध है, दाल है, का फल, हरी सब्जी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को आयरन कैल्शियम युक्त भोज पदार्थ के अंतर्गत हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, गाजर, दूध, दही, पनीर, इन सब का सलाद का सेवन करना चाहिए। नीचे तालिका में कुछ ऐसे भोज सामग्री दर्शाई गई हैं जो सस्ते दाम में उतनी अधिक पौष्टिक हैं जितनी महंगे भोज पदार्थ होते हैं। तो जैसे महंगे भोज पदार्थ हैं आपका घी, दूध, अंडा, मांस, मछली, चीनी, सूखे मेवे, मिठाई, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, मट्ठा, मेवे, दूध, हरी सब्जी, फल, दूध, दही, क्रीम, मक्खन, मांस, मछली। तो देखिए दूध
घी दूध अंडा मांस मछली से हमें वसा प्राप्त होती है। चीनी सूखे मेवे मिठाई से कार्बोहाइड्रेट, दूध दही अंडा मांस मछली मट्ठे से प्रोटीन, मेवे दूध हरी सब्जी फल से खनिज लवण, दूध दही क्रीम मक्खन मांस मछली से विटामिन। तो याद रखिएगा कि घी दूध अंडा मांस मछली वसा, भोजन पाए जाने तत्व वसा है, वनस्पति तेल और वनस्पति घी सस्ते भोज पदार्थ हैं इसके ऑप्शन में जिसे हमें वसा मिल सकती है। फिर आपके महंगे में चीनी सूखे मेवे मिठाई, तो भोज पदार्थ इसमें कौन सा पाया जाता था, तो कार्बोहाइड्रेट। सस्ते भोज पदार्थ क्या है इसके ऑप्शन में, आलू है, जौ, बाजरा, गुड़, दालें, गेहूँ, चावल है, दूध दही अंडा मांस मछली मट्ठा, इससे प्रोटीन मिलता है। और सस्ते में आपको हरी सब्जियां, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, ये हैं सस्ते आपके प्रोटीन के ऑप्शन। मेवे दूध हरी सब्जी फल हैं, तो इनसे क्या मिलता है, खनिज लवण मिलता है। सस्ते में तरबूज, खरबूजा, मूली, गाजर, ककड़ी हरी सब्जियां हैं। दूध दही क्रीम मक्खन मांस मछली, इनसे क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। सस्ते भोज पदार्थ में आपका अनुकूलित अनाज, हरी सब्जियां, अमरूद, आंवला, गाजर, मूली, टमाटर, पपीता मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेसन 3 था जिसमें हमने पढ़ा पोषक तत्व और पोषण। साथ ही बता दूं कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी इसका एक और पार्ट भी है लेसन 3 का ही, तो एक सेकंड पार्ट लाऊंगी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी लेसन 3 कंप्लीट नहीं हुआ, कल कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकोगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर फीडबैक दे, वीडियो देख लेते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छा पूरा जो भी लिखना है लिखिए, पर कमेंट जरूर करिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।